10 मिनट में 50 खबरें। आज मोदी सरकार करेगी वन रैंक वन पेंशन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन पर समझौते का फॉर्मूला तैयार। शाम 3 बजे रक्षा मंत्री कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों की खबर, सरकार अगले हफ्ते बिहार चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करना चाहती है अपना वादा। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मांगों पर सरकार ने लगाई मोहर। पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन पर सरकार का नया फॉर्मूला मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोधगया का करेंगे दौरा। ग्लोबल हिंदू बौद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर बोधगया में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम। पवित्र महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाएंगे। पीएम की यात्रा के मद्देनजर नक्सलियों ने बुलाया 24 घंटे का बंद। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संघ की बैठक में शामिल हुए नरेंद्र मोदी। अपनी सरकार की कामकाज की दी जानकारी। कहा बहुत कुछ किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी। प्रधानमंत्री ने आरएसएस का स्वयं सेवक होने पर जताया गर्व। कहा स्वयं सेवक होने की वजह से ही यहां तक पहुंचा हूं। संघ के साथ पीएम मोदी की बैठक पर कांग्रेस ने साधा निशाना। राहुल ने कहा मोदी और सरकार को नियंत्रित करता है संघ। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, एफटीआईआई छात्रों के आंदोलन पर राजनीति ठीक नहीं। गजेंद्र चौहान को खुद आगे आकर देना चाहिए इस्तीफा। तेलंगाना के हैदराबाद में 1 साल के बच्चे के 2 दिनों तक अपने मम्मी पापा के शव के साथ अकेले रहने का सनसनीखेज मामला आया सामने। नाराज मुलायम को मनाने में लालू और शरद यादव फिर से रहे नाकाम। घंटों चली बैठक के बाद दोनों को गठबंधन बचे रहने की उम्मीद। लालू के मुताबिक हमने मुलायम से कहा वो हमारे अभिभावक हैं, अभी उनके साथ बातचीत जारी है, हम उन्हें मना लेंगे। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा लालू नीतीश ने किया मुलायम का अपमान, अब मुलायम कभी भी गठबंधन में नहीं होंगे शामिल। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का दावा, बिहार में हमें जो सीटें मिलेंगी उनमें से 90% पर जीत हासिल करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में वार्षिक गोगा मेढी मेले में शामिल होने के लिए जान जोखिम में डाल ट्रेन की छतों पर सफर कर रहे ग्रामीण। मेले में हर साल उमड़ती है लाखों की भीड़। टीना बोरा मर्डर केस में आज 3 आरोपियों की मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेशी। इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर की आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। पीटर मुखर्जी से लगातार 3rd दिन पूछताछ। रात करीब 11:30 बजे तक खास स्टेशन में बिठाकर पुलिस ने दागे सवाल। टीना बोरा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉलेज से चलने के कुछ देर बाद ही टीना का हुआ था कत्ल। टीना का गला दबाकर हुई थी हत्या। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद शीना के शव को बर्ली में पीटर के घर ले जाया गया था। लाश का मेकअप करने के बाद उसे गाड़ी में डालकर रायगढ़ ले जाया गया। इंग्लैंड जाने के पहले विधि को अपनी मां इंद्राणी से मिलने की मिली इजाजत। खार थाने में दोनों के बीच 20 मिनट तक चली बातचीत। इंद्राणी ने बेटी से कहा मैं निर्दोष हूं। दिल्ली के मंडावली में एक मॉडल से बीच सड़क पर छेड़छाड़। विरोध करने पर आरोपी ने की मारपीट, कपड़े भी फाड़े। अपनी बहन के साथ गुरुद्वारे से घर लौट रही थी मॉडल, बाइक सवार युवक ने किया था पीछा। पुलिस ने बाद में आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में करीब 12 लाख के नकली नोट के साथ 3 शख्स गिरफ्तार। यूपी एटीएस की टीम ने पकड़ा। जाली नोट की खेप पाकिस्तान से बंगाल के रास्ते लेकर आए थे आरोपी। मुंबई के कांदीवली स्टेशन पर बीती शाम शेड में खड़ी 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में लगी आग। आग में 8 बोगी जलकर खाक। किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधायक की कार की टक्कर में 6 साल की बच्ची की मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी। गाड़ी में सवार विधायक का बेटा मौके से फरार। पंजाब के पठानकोट में एक सरकारी स्कूल के अंदर 8वीं की छात्रा से गैंगरेप। 10वीं के 4 छात्रों पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
हरियाणा के रोहतक में टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी का लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। घटना को लेकर अभिभावकों में गुस्सा। राजस्थान के अलवर में एक बैंक में बदमाशों ने दिन दहाड़े बोला धावा, हथियार के दम पर 31 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। बाहरी दिल्ली के बुद्ध विहार में 20 रुपए के लिए एक शख्स की हत्या, पड़ोस के लड़कों पर लगा इल्जाम, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महबूबनगर में जिला परिषद के दफ्तर में टीआरएस विधायक और कांग्रेस के एमएलसी के बीच भिड़ंत, दोनों ने एक दूसरे से की धक्का मुक्की। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का बीती रात मुंबई में निधन, कोकिलाबेन अस्पताल में ली आखिरी सांस। 51 साल के आदेश श्रीवास्तव कैंसर से थे पीड़ित, एक महीने से ज्यादा समय से अस्पताल में थे भर्ती। आदेश के निधन से बॉलीवुड में गहरा शोक, आज ओशिवारा में होगा अंतिम संस्कार। चेन्नई से जम्मू तभी जाने वाली अंडमान एक्सप्रेस अब कटरा तक जाएगी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। 13 और ट्रेनों का अंतिम पड़ाव जम्मू की बजाय कटरा किया जाएगा। फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी मेट्रो की सौगात, शुक्रवार को हुआ ट्रायल रन, रविवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार में स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, नीतीश के नालंदा में टीईटी पास शिक्षकों को एप्पल और महीनों के नाम की नहीं आती स्पेल। आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर के मंदिरों में खास तैयारी, दिल्ली के इस्कॉन टेंपल समेत कई मंदिरों में भव्य आयोजन। इस्कॉन टेंपल में जन्माष्टमी पर कान्हा को प्रसाद में चढ़ेगा 108 किलो का केक, 1008 व्यंजनों से तैयार होगा प्रसाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली में सभी बड़े मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। वाराणसी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में सजावट, भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह। आज से हिमाचल के चंबा में मणि महेश यात्रा की शुरुआत, हर साल 5 लाख श्रद्धालु मणि महेश सरोवर की करते हैं यात्रा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने की अजिंक्य रहाणे की तारीफ, कहा नंबर 5 के लिए उपयुक्त हैं बल्लेबाज। राहुल द्रविड़ ने कहा मुरली विजय और शिखर धवन की वापसी के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी में कई विकल्प। कोयम्बटोर में नशा मुक्ति जागरूकता के एक कार्यक्रम में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, ग्रामीण खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में इंटर स्कूल मल्टीमीडिया कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, इस कॉन्टेस्ट में 4 कैटेगरी में से 3 में वसंत वैली स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी और प्रतियोगिता में अव्वल आए। इस प्रतियोगिता में दिल्ली के स्कूलों के अलावा देश भर के कई स्कूलों ने लिया हिस्सा, इसके बावजूद वसंत वैली स्कूल ने 4 कैटेगरीज में से 3 पर अव्वल आए जबकि एक कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहे। सीरिया में बोट हादसे में अपनी मां के साथ डूबे 2 मासूमों को दफनाया गया, बच्चों की तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की यूरोपीय देशों से अपील, शरणार्थियों की समस्या का हल करने के लिए एकजुट होकर काम करें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिहायशी इलाके में दिखा शावक, कहां से आया ये किसी को पता नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना की मंत्रियों से अपील, सुधारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करें। हॉन्डुरास की डानली के एक स्कूल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारी, स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं 23 जुड़वा बच्चे।